अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया, अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया, अकेला मैं यहाँ बेटा जीना अब तो सीख गया, अकेला मैं यहाँ। 70% लोग चैनल पे आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ नहीं जाएगा यार, मेरे चैनल को थोड़ी सी अगर ग्रोथ मिल जाएगी तो भाई का भला हो जाएगा, फ्री में सब्सक्राइब करने को मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दोगे तो कोई टेंशन वाली बात है। नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग गुड, आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। अभी अभी आपने जो गाना सुना वो मेरा खुद का लिखा हुआ है, कंपोज किया है, मिक्स मास्टर ए टू जेड सब मैंने किया हुआ है, और अगर आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन होगी, जरूर जाके चेकआउट करो, मुझे अपना वैल्यूएबल ओपिनियन बताओ कैसा लगा, कैसा नहीं, क्या ठीक कर सकता हूँ क्या नहीं, और जिन लोगों ने अभी तक देख लिया उनको बहुत से थैंक यू यार, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना ज्यादा प्यार दिया। और लेकिन आज जो मेन मुद्दा है वो है डिवाइन का कोहिनूर, कल एक साल पूरा हो गया था इस गाने को, और मैन दिस सॉन्ग इज लव, मैं पागल था, मैं आई वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट दिस सॉन्ग। ये जब गाना आया था तो रात भर मैं और मेरा एक दोस्त ललित, हम अपनी बैल्कनीज में फोन पे लिरिक्स खोल के लिरिक्स याद करते थे, क्योंकि दिस सॉन्ग वॉज लिट, मतलब ऐसा लगता था कि यार इसकी लिरिक्स तो याद होनी ज़रूरी है, मतलब सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक, मतलब बहुत तगड़ा मज़ा आ गया था। एंड दिस दैट इज़ वॉट डिवाइन डज टू यू, ही गिव्स यू क्वालिटी लिरिक्स और आपको मजबूर कर देता है कि आप उन लिरिक्स से ना सिर्फ रिलेट करो बल्कि उनको खुद परफॉर्म करने की भी कोशिश करो। मतलब बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ था कि किसी हिंदी रैप सॉन्ग की लिरिक्स खोल के मैं रट रहा था, एंड दैट इज़ वॉट is important about hip hop scene in India, जो कि फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बिना टाइम वेस्ट किए कोहिनूर सुनते हैं, कल एक साल पूरा हो गया था और काफ़ी लोग मुझे ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि भाई डिवाइन के सॉन्ग पे रिएक्ट करो, डिवाइन के सॉन्ग पे रिएक्ट करो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोहिनूर से स्टार्ट करता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए सुनते हैं ये वाला गाना, मैं बीच बीच में गाऊंगा और मुझे पता वो आवाज़ आपको पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं अपनी आवाज़ थोड़ी नीचे कर लूँगा, तो आप भी खुश मैं भी खुश, क्योंकि ये गाना बजेगा और मैं गाऊँ नहीं ऐसा हो नहीं सकता। 3, 2, 1 एंड गो। Diamond in the dirt, from Africa straight back to India. गली का लड़का गली से उठा, गली को आगे ले जाते हुए, बहुत सही। Got it, sir. सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब, वफादार खबरदार होशियार, गली गैंग सबसे हार्ड परिवार, गली गैंग सबसे हार्ड परिवार, कोई मसले में अटके फिर सब जिम्मेदार, खासली में फटके फिर सब तड़ी पार, गिने चुन के है दोस्त बाकी साफों को कटार, जब तक फोटो पे ना हार तब तक ग्राइंड करे शाइन करे, जो करना है करे तेरे माइंड पर है, छोटे सारा लाइन पर है, जबरदस्ती का जोश छोड़िए नकली, तू बीफ तू असली में घोष, तू खाना मेरा दोस्त यहाँ नकली है फेमस क्या जमाना मेरा दोस्त, चल माचिस ये है पूरा पूरा ज्वाला मेरा दोस्त, तू पालतू मेरे गानों ने पाला मेरा दोस्त, लावा लावा स्पिट गेम प्रॉपर बॉयज फ्रॉम द नॉक ऑफ फाब नाइन ईस्ट साइड अमंदेरी के, मेरे फैंस रॉयल ओपरा से गेटी पे, जूलियस बग्गा और जेडी है मेरे कॉलेज वाले दोस्त, एमसी शेर मोइन मुराद सब सॉलिड मेरे दोस्त, राशन कार्ड वाले शूटर मतलब फॉरेन वाले दोस्त, मतलब एक कॉल पे सीधा आने वाले दोस्त 3 अली बाबा और 40 मेरे दोस्त, कोयले में हीरे का बसेरा, टेढ़ी वाली सोच, सूरज चांद अपने फेवर में गेड़ी। भाई साहब मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ तुम में से भी 70% लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी लिरिक्स याद नहीं होगी, और जिनको याद है ब्रदर्स, शूटर मतलब फॉरेन वाले दोस्त, मतलब एक कॉल पे सीधा सीधा आने वाले दोस्त, 3 अली बाबा और 40 मेरे दोस्त, कोयले में हीरे का बसेरा, टेढ़ी वाली सोच, सूरज चांद अपने फेवर में गेड़िया लगा रहे, असल जिंदगी में टफ वीडियो में ना आ रहे, ग्रेट खली है ये रैपर सिर्फ वीडियो में ये हार्ड है, शॉट सीधा सरफेस को देसी तो पिला रहे, चकने में चिकन नहीं आते, इंडिया खिला रहे, पेप्सी पे बड़े हुए जो थैलियों में आते, सातवीं से सात दोस्त अभी भी मेरे साथ है, अभी भी करते पुण्य अभी भी करते पाप है, कुछ नहीं था सातवीं से सात दोस्त अभी भी मेरे साथ हैं, अभी भी करते पुण्य अभी भी करते पाप है, कुछ नहीं था अब चार दोस्त अभी भी मेरे साथ हैं, अभी भी करते पुण्य अभी भी करते पाप है, कुछ नहीं था अब चार दिन बाद सब कुछ देखा, मैं हर जगह बुक भगवत गीता, जरूर वाला माल नहीं पीता शीशा, मत भूलना छोटे तूने किससे सीखा, डिवाइन 4-9 भाई भाई हाय बाय ऑपोजिट्स घोष्ट करण आर्मी 9 एमएससी कटा। ये वाला जो पार्ट था भाई मेरे को ये अभी तक याद नहीं हुआ, ये सबसे टफ वाला पार्ट था कसम से, आज तक मुझसे ठीक से याद नहीं हुआ। 5-9 भाई भाई हाय बाय ऑपोजिट्स घोष्ट करण आर्मी 9 एम
मैच टिकट आमर फ्लो सर्व चांगला ब्रो बांगड़ा फ्राई टिकट आमर हो कोस्ट वाले लोग बॉस वाले कोड बचकाने छोड़ रास्ते में आए फटका के छोड़ रैप का किशोर भाई का ना तोड़ किसका ना लोड वन टू का फोर नहीं नहीं वन टू का करोड़ हाँ कोहिनूर अब कभी झुके ना कभी रुके ना गैंग अभी वही कभी टूटे ना इन्फ्लुएंसर मॉडल वो कभी ना मेरे साथ अब बॉटल सीधा सर पे सफीना मेरे साथ इस जंगल का तू मोगली अकेला मेरी खास। ये मूवी का रेफरेंस था, सबको वैसे समझ ही आ गया पर फिर भी मेरे को रोकना बनता था। अब बॉटल सीधा सर पे सफीना मेरे साथ इस जंगल का तू मोगली अकेला मेरी खास अब कमर तोड़ रैप तू शकीरा जैसे नाच ये है कलम तोड़ रैप अब पलंग तोड़ रैप तेरी लंबी गाड़ी के अंदर तू कब्र खोद रैप अब परिवार पहले बाकी चेक कर ले फैक्स असल गाने स्पिट करके लाया अंडरग्राउंड में पैसा पैसा सबको मिल रहा है बताया मैंने कैसा इंडस्ट्री को लाया मैंने अंडरग्राउंड में इंडस्ट्री बना अब ये अंडरग्राउंड है अब बहुत ज्यादा फर्क तेरे मेरे साउंड में तू है साउंड चोर मेरा अपना खुद का साउंड है आसमान में छाती मेरी माजी प्राउड डब्बे में था पैसा अब तीन बैंक अकाउंट है। मतलब जब जो यूजुअली जो इतने ज्यादा ब्लेस्ड नहीं होते मनी के साथ उनके डब्बे में पैसा एक रेफरेंस होता है, उनकी माएं ज्यादातर पैसा एक जो वो नहीं होता चॉकलेट का डब्बा किसी ने दे दिया या सुई धागे जिसमें रखते हैं डब्बे वाला उसमें पैसे पड़े होते हैं थोड़े बहुत, और आज तीन बैंक अकाउंट है। ये लाइन जब भी मैं सुनता हूँ ना आई गेट सो इंस्पायर्ड कि भाई कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है, मेहनत करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आसमान में छाती मेरी माजी प्राउड है डब्बे में था पैसा अब तीन बैंक अकाउंट है मेहनत का है छोटे अब तो पहला राउंड है कोहिनूर कभी कटे ना अभी मचेगा अभी फटेगा अभी सुनने का भाई साहब। ये और एमीवे जो सीन को ऊपर फुक करके लेके गए ना मजा आ गया भाई। ये गाना प्यार है, ये गाना मोहब्बत है मेरी, ये गाना मैं जिंदगी भर याद करता रहूंगा, पूरा याद हो जाएगा। बस वो बीच में जो लाइंस है ना वो मेरे को पूरी जिंदगी लग जाएगी याद करने में, पर होगी नहीं, वो कोई किसी दूसरी लैंग्वेज में है शायद क्या पक्का किसी दूसरी लैंग्वेज में है। पर भाई साहब मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हर आर्टिस्ट की बेस्ट लाइंस मेरे को क्या लगती हैं, और इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर डिवाइन के कोहिनूर का जो मुझे लगता है वो था मुझ में ये खून नहीं है मुझ में जुनून गाने का नाम था जुनून। ओ भाई वो गाना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो गाना हर बार सुनता हूँ, उसका भी रिविजिट करूँगा, महीने भर से नहीं सुना है मैंने उसको। आप कोई और गाना चाहते हो जिसपे मैं रिविजिट करूँ तो पक्का मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। पर भाई कोहिनूर पूरी एल्बम बहुत फाड़ होने वाली थी क्योंकि मूवी के बाद आने वाली थी तो हाइप पहले से ही थी, फिर ऊपर से एमवीए पे डिस था रिमांड तो और मज़ेदार था। पर ये गाना जो स्टैंड आउट किया ना मेरे लिए, मुझे मैं आज तक इसके बिल्कुल उसमें रहता हूँ, क्या कहते हैं डोज है ये मेरी, मैं लेता रहता हूँ बीच में। This is the longest that I have waited. मैंने ये महीने भर से नहीं सुना होगा और ये पहली बार ऐसा हुआ है जो मैंने ये वाला गाना महीने से ऊपर नहीं सुना। हाँ मज़ा आ गया सुन के, pumped, thrilled। अभी मैं दोबारा सुनूंगा इसको। यही था मेरा रिएक्शन, रिविजिट, रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक डेट। इफ़ यू डू प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। 70% लोग चैनल पे आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ नहीं जाएगा यार, मेरे चैनल को थोड़ी सी अगर ग्रोथ मिल जाएगी तो भाई का भला हो जाएगा। फ्री में सब्सक्राइब करने को मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दोगे तो कोई टेंशन वाली बात ऐसी है नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी, मैं अपने गाने आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, आपके गाने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, पीस, मिलता हूँ आपसे अगले गाने में। दर्द है सीने में जिस दर्द का इलाज नहीं, अपने भी अलग अब कोई भी मेरे साथ नहीं, बताऊंगा कितने ब्रूटस मिले इस जूलियस को, तुम भी बोलोगे भाई तुमको बंदों की पहचान नहीं।